so please understand there are certain points to be taken care of I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice so please don't try to substitute these revision lectures as study lectures detailed वाले भी मेरे जो available है videos उसके साथ compare मत करना क्योंकि ये revision lectures है study lectures नहीं है clear है तो questions पे हम ज़्यादा focus नहीं करने वाले concepts जो है मैं assume कर रहा हूँ आप एक बार दो बार कर चुके हो so that you are able to grasp the concepts विद स्पीड एंड विद विच द रिविजन लेक्चर विल बी कंडक्टेड क्लियर सेकेंड इसके साथ साथ एमसीक्यू जरूर आपको करने कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर दैट एस वोलिम्पिक क्लासेस फॉर सी ए फल लॉ सर्च कर लो नहीं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है चार से पांच एमसीक्यू डेली कवर किए जा रहे हैं टॉप लेवल एमसीक्यू सो ज्वाइन दैट वहां पर गलतियां मुझे ऑलरेडी पता है मत होना, ये सोचना कि क्लासेस में कई मिसिंग था एंड इफ यू वॉन्ट माई क्लासेस आप कंसिडर कर सकते हो यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एस वालिम्बे क्लासेस डॉट कॉम स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ तो वो सब नहीं हो पाएगा प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिसन लेक्चर तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू यू शुड बी एबल टू ग्रास द कंसेप्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने एक बार कर रखा है उसके सिवाय कोई भी जनरल क्वेरी आती है स्टडी क्वेरी आती है यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन नाइन फाइव सिक्स जीरो फोर थ्री सिक्स नाइन वन जीरो व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना कॉल कर सकते हो बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल नॉट एन इशू एंड पिछली बार मैं हमेशा ट्राई करता था कि रिविजन लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए राइट एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें बाद में उस पर रिलाय ना करें क्योंकि फिर आपकी स्टडी इम्पैक्ट कर जाती है तो मैं रिविजन लेक्चर्स रखता था कुछ हटा देता था बट बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है तो इस बार डोंट वरी रिविजन लेक्चर्स विल स्टे ऑन यूट्यूब कोई दिक्कत नहीं है YouTube पे ही रहेंगे टेंशन मत लेना

IBC done, PPIRP done. Entire playlist ka link has been given in the description of this lecture as well. So now we will continue with our securities law. So mainly SEBI and LODR. And uh, we are going to focus on it by, by, by exam point of view से, ठीक है? तो एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल में, कि एक शब्द में नहीं पढ़वाऊंगा. But yes, exam-oriented revision इस चीज़ को रखेंगे, and दोनों चैप्टर्स को क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे, without wasting any further time. Let's start. और दिमाग में बिठा लेना बहुत इजी चैप्टर है दोनों ठीक है बहुत इजी चैप्टर है ओके लेट स्टार्ट द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट और इसमें प्यार से जब हम बोर्ड बोलेंगे इट मींस द सेबी बोर्ड

जनरल बताया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोग आएंगे दे हैव इंटेग्रिटी एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस एवरीथिंग विल बी अंडर द सुपरेंटेंडेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ओके टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस द चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स प्लीज मार्क दिस यहां पे पार्ट टाइम मेंबर्स की बात नहीं कर रहे होल टाइम मेंबर्स की बात कर रहे हैं सो द चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर्स में होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स एंड यस दे कैन बी रीअपॉइंटेड बट मैक्स टू मैक्स एज क्या रहेगी 65 इयर्स अगेन आई एम मार्किंग चेयरमैन एंड होल टाइम मेंबर ना कि पार्ट टाइम मेंबर और ये बात कहां से आती है रूल से आती है सर ये ऐसे पेपर में लिखना जरूरी है कि आंसर इज यस आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि रूल से आती है क्योंकि सेक्शन 5 का पार्ट नहीं है सर रूल नंबर और रूल के नाम नहीं लर्न करने हैं आंसर

टाइम ओके वेन एट एनी टाइम दिस टर्मिनेशन कैन ऑब्वियसली टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सर्विस बाई गोटिस इन राइटिंग और थ्री मंथ सैलरी एंड अलाउंसिस इन लू देर ऑफ अब यह चेयरमैन और मेबर पूछ रहा है कि सर क्या मैं रिजाइन नहीं कर सकता आप टर्मिनेशन की बात कर रहे हो और कर सकता है भाई तू कर सकता है कैसे तीन मंथस की नोटिस दे दियो इन राइटिंग सर रिमूवल भी किया जा सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्मल टर्मिनेट कर दिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया अंडर स्पेसिफिक क्लॉजेस क्या क्या इफ ही इज और एट एनी टाइम बीन एडजर्ड एज एन इनसोल्वेंट अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इन ओपिनियन ऑफ सी जी इट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड मतलब उस सी जी का ओपिनियन बनना चाहिए कि मॉरल टर्पिट्यूड है हम कुछ नहीं कहेंगे ठीक है या फिर इन विच पर्टिकुलर क्लॉज डज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड नीड टू बी गिवन इट इज ओनली एंड ओनली इन क्लॉज नंबर ई अब आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आईसीआई मटेरियल से पढ़ा होगा कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं ये सब

तो फिर हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बींगड़ क्यू देंगे ये आईसीआई के मटेरियल में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन गलत हुई है गलत हुई है ठीक है ओके नेक्स्ट सेक्शन सेवन जनरल मीटिंग्स की बातें कही है कि प्लेस टाइम कोरम एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द रेगुलेशंस हु हुल प्रिइड द मीटिंग ऑब्वियसली अ चेयरमैन नहीं हो पाया तो एनी अदर मेंबर हु विल बी चूजन फ्राम अमॉन्ग दम सेल्स सारे, सारे questions कैसे, कैसे के सारे क्वेश्चंस कैसे आंसर किए जाएंगे डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी वोट्स ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड इन केस ऑफ इक्वालिटी चेयरमैन विल हैव है सेकंड वोट मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स इन इन सर्टन केसेस जो कि इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है किसी मैटर के रिस्पेक्ट में सो ही शल डिस्क्लोज द नेचर एंड उसको रिकॉर्ड किया जाएगा प्रोसीडिंग्स में एंड आफ्टर दैट ही के नॉट पार्टिसिपेट और कभी डिस्क्लोज करना एज सुन एज एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द रिलिवेंट सर्कमस्टांस हैव कम टू हिज नॉलेज

द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेजर्स हैजर टू टेक मेजर टू अंडरटेक इंपेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और एनी पब्लिक विच इंटेंस टू गेट लिस्टेड लेकिन उसका रीजन क्या है इट हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कंपनी है इंडल इन इन साइडेड ट्रेडिंग और अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट पॉर्स ऑफ सिविल कोड वही गीसीपीटी डिस्कवरी प्रोडक्शन समन्स इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स इशुंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस ये चार पांच लन कर लेना हर जगह काम आएंगे इकोनॉमिक लॉस में भी तो उसके पास है ऑल द पॉवर्स ऑफ द सिविल कोड अच्छा ये थोड़ा सा अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है इलेवन फोर के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ सेबी टू टेक द फॉलोइंग मेजर्स विदाउट प्रेजुडिस टू अबाउट अब एंड अदर जो भी इसके रिस्पेक्ट में आते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है uh, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में बाय एन ऑर्डर फॉर रीजन टू बिकॉर्ड इन राइटिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट टेक एनी ऑफ द फोलोइंग मेजर इधर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इन्क्वायरी और ऑन कम्प्लीशन मतलब ड्यूरिंग भी कर सकता है आफ्टर भी कर सकता है बस रीजन रिकॉर्ड कर लेना और क्या क्या कर सकता है सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग

उसी 90 डेज में कंफर्मेशन लेना पड़ता है स्पेशल कोर्ट से ठीक है तो विद इन नाइनटी डेज यू हैव टू टेक एन अप्रूवल कंफर्मेशन ऑफ द सेड अटैचमेंट फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट विच इज एस्टैब्लिश अंडर ट्वेंटी आगे आएगा एंड फिर वो कंफर्म करेगा उसके बाद उसके बाद ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग अटैचमेंट चलती रहेगी एंड उसके एंड में ट्वेंटी ए भी लग सकता है दैट टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ अमाउंट ठीक है अच्छा इन्होंने क्या बोला जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ना पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन में नॉन कम्पलाइंस में ओनली यू हैव टू अटैच ओनली दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यू कैनॉट अटैच एनी अदर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली एफ डायरेक्ट एन इंटरमीडिएट और पर्सन एसोसिएटेड नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनिएट विद एनी असेट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब डीईएफ के रिस्पेक्ट में जरा कंडीशन देखो डीई के रिस्पेक्ट में जरा कंडीशन देखो बोर्ड में विदाउट प्रेजोडियस टू प्रोविजन ऑफ सबसे मेजर्स डी एफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अगेन दो लिस्टेड पब्लिक कंपनी और विच इंटेंट टू गेट लिस्टेड अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है रीजनेबल ग्राउंड इन मार्केट मैनिपुलेशन और अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है तो वही वाली कंडीशन यहां पर भी लग जाती है सेम कंडीशन सेम कंडीशन अच्छा

सेक्शन नंबर ट्वेल्व रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट इसको एक बार सिर्फ रीड लेना इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है भी रिसेंटली तो इसको एक बार रीड लेना है कुछ समझाने वाला नहीं है बेसिकली ये सारी बातें क्या कहता है कि ब्रोकर ब्रोकर सब इसमें जैसे शेयर ट्रांसफर एजेंट बैंकर इन सबको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फ्रॉम द बोर्ड एंड इट कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड ओनली दो कंडीशन विच आर स्पेसिफाइड इन देयर पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिमिलरली डिपॉजिटी पार्टिसिपेंट कस्टियन एफ इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है

रजिस्टर्ड होना तो उसके हिसाब से काम करना है उसी के कंडीशन के हिसाब से काम करना है ठीक है ओके एवरी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग फीस बोर्ड में सस्पेंड और कैंसल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन मैनर प्रिस्क्राइब एंड उससे पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगड़ देगा ठीक है एडिशनल फंक्शन ऑफ सेबी अंडर एस सी आर एक्ट नाइनटीन सेवेंटी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये एक्चुअली पहले हमारे कोर्स का पार्ट था अब नहीं है तो चांसेस है कि यह ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे लेकिन वट इज द इशू वट इज द रीजन आई हैव इन द नोट्स रीजन इज की आपके मटेरियल में एज इट इज दिया गया है उन्होंने थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दी है जो कि मुझे लगता है जरूरत नहीं है तो इनके सिर्फ एक बार आपको लर्न करने हैं नाम ठीक है एक बार नाम लर्न करने हैं कि द सेबी हैज द पावर टू कॉल फॉर रिटर्न्स और डायरेक्ट इंक्वायरीज अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ एस पावर टू अप्रूव बाय लॉज अंडर सेक्शन नाइन अमेंड बाय लॉज सेक्शन नंबर टेन लाइसेंसिंग ऑफ डीलर सेवनटीन पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ये स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ होती है दिस इज एज पर 17 ए एंड पावर टू डेलीगेट अच्छा बोर्ड कैन रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर्स तो इट मे बाई स्पेसिफाई इट मे स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैटर्स क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे और कैसे कैसे इंक्लूड किए जाएंगे तो यहाँ पे वो रेगुलेट कर रहा है और यहाँ पे वो प्रोहिबिट भी कर सकता है तो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स इट कैन प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोस्पेक्टर्स एनी ऑफर डॉक्यूमेंट एनी एडवर्टीजमेंट एंड इट मे ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सच प्रॉस्पेक्ट्स इफ नॉट प्रोहिबिटेड कैन भी इशूड तो रेगुलेशन या प्रोहिबिशन दोनों हो सकता है और कोई इसके अंदर खास बड़ी बात नहीं है Board may specify the requirements for listing and transfer of securities without prejudice to Section 21 of Securities Contract Regulation Act, which again talks about listing of conditions for listing of securities. इलेवन डबल ए टॉक्स अबाउट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बेसिकली होती है जो सबसे टू ए में आएगी उसके सिवाय डीमिंग प्रोविजन लगाएंगे कि इफ यू आर इन टू दिस काइंड ऑफ ऑफ अ कलेक्शन इज हुज अमाउंट अमाउंट कैपिटल इज मिनिमम करोड़ देन इट शल बी डीम्ड एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर व्यू हैव रजिस्टर्ड और नॉट ठीक है तो पूलिंग ऑफ फंड इतना कर रहे हो जिसका कॉर्पोस अमाउंट ये है तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मान लिया जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन से पेमेंट की जा रही है दे आर यूटिलाइज एंड पुल्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्कीम और अरेजमेंट सेकेंड ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन से पेमेंट कर रहे हैं ना लोग इन्वेस्टर्स जो कर रहे हैं दिस इज सो दैट दे वॉन्ट दे आर डूंग दिस विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिसन प्रॉफिट सर्टन रिटर्न सर्टन प्रॉपर्टीबल और रिमुएबल वॉट एवर इट इज द प्रॉपर्टी या जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन uh, या इन्वेस्टमेंट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्कीम इट इज बिंग मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स डो नॉट टेक डे टू डे कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन तो जैसे म्यूचुअल फंड हो गया राइट right? तो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के चार पर्टिकुलर कंडीशन इफ देर इज एनी स्कीम एज पर रेगुलेशन जो कि प्रिस्क्राइब है अभी हमें पढ़नी नहीं है कोर्स का पार्ट नहीं है तो वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बन जाएगी और चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस निधि एन ये सारे नाम एक बार लर्न कर सकते हो डिपॉजिट्स म्यूचुअल फंड ये सारे स्पेसिफिक्स हैं तो इसको हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं डालेंगे ठीक है एनी स्कीम और अरेंजमेंट बाय फॉलोइंग इस नॉट अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम पावर टू इशू डायरेक्शन एंड लेवी पेनल्टी सेबी कैन इशू डायरेक्शन से बी कैन लेवी पेनल्टीज इन द इंटरेस्ट ऑफ इवेस्टर्स टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ इंटरमीडियर बींग कंडक्टेड इन द मैनर डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी इंटरमीडियट और पर्सन तो इन जनों को वो ये सारी चीज़ें डायरेक्शन वगैरह दे सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है पेनल्टी के जो हाइपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो इसी नोट्स के अंदर है बाकी वो जनरल पेनल्टी के अंडर है पेनल्टीज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं

फिर बाकी सबकी ड्यूटी है कॉपरेशन की टू प्रिजर्व एंड प्रोड्यूस द बुक्स डॉक्यूमेंट्स या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बोलेगा कि मेरे को चाहिए एंड इट मे बी नेसेसरी फॉर द दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ये जो बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन उसने मंगवाई उसकी कस्टडी रहेगी छह महीने की एंड दे बी रिटर्न टू दैट पर्सन बाय होम ऑन ऑन और हुज बाई होोड्यूस बट इफ दे आर नीडेड अगेन तो ही मे कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स अगेन अब ये बंदा देखो थोड़ा सा गुस्से में हो कह रहा है दैट दैट पर्सन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स वर टेकन वो कह रहा है आई नीड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ दो बुक्स रजिस्टर्स और रिकॉर्ड क्योंकि आप लेके जा रहे हो तो मुझे उसके सर्टिफिकेट कॉपीज चाहिए तो ले ले भाई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दे देगा कोई इशू नहीं है एग्जामिनेशन ऑन ओथ भी करवा सकता है एनी ऑफ दसन्स का एंड उसके हिसाब से ही विल ही कैन कॉल दैट पर्सन एंड एडमिनिस्टर दैट ओथ पर्सनली उसके नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन लिए जाएंगे एंड दे शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग शेल बी रेड ओवर टू और बाय मतलब या तो उसको सुनवाए जाएंगे तो वो खुद बोलेगा एंड दे शैल बी साइंड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड कैन बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हिम वो पिक्चरों में बोलते हैं ना एनी यू से कैन बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट हम ये वही वाली बात है ठीक है अच्छा अब सर सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहा है ऊपर तो उसने प्रोड्यूस करे और मैंने कस्टडी में रखे या पे हम उसके छीन रहे क्यों देखो वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि कोई बुक्स सीज वो म्यूटिलेट होने वाले हैं डिस्ट्रॉय होने वाले हैं सीक्रेट होने वाले हैं फॉल्सिफाई होने वाले हैं तो उस केस में ही कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द मेजिस्ट्रेट और जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई ये की है मैजिस्ट्रेट और जज ऑफ सच डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई एज मे बी नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट एन अप्रूवल की जाके इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीज करना चाहता हूं ठीक है आफ्टर दिस एप्लीकेशन सच मैजिस्ट्रेट और जज मे बाई ऑर्डर ऑथराइज दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू एंटर द प्लेस टू सर्च द प्लेस एंड टू सीज द डॉक्यूमेंट्स लेकिन कंडीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक कंपनी एंड कंपनीज दोपनीज इंटेंड टू गेट द लिस्टेड वही वाले बात की दे आर इन्वॉल्व इन इन साइड ट्रेडिंग और मार्केट पैनिपुलेशन तो उनकी ये कंडीशन मीट होनी चाहिए उनकी कंडीशन मीट होनी चाहिए कि हाँ ये लोग गलत काम में इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इफ ही वांट्स ही कैन आस्क फॉर असिस्टेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर और बोथ एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दिस काइंड ऑफ अ रिक्विजेशन कस्टडी नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो नो स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी एंड उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया जाएगा

यू हैव टू सीज और डिसम सर्टन प्रोसीडिंग्स ठीक है अगर बोर्ड को लेकिन इसमें एक कंडीशन का ध्यान रखना इंक्वायरी करानी है इंक्वायरी करानी है आफ्टर कॉसिंग एन इंक्वायरी इफ इट थिंग्स दट येस सर्टन पर्सन हैज वॉयलेटेड और लाइकली टू वॉयलेट सर्टन प्रोसीडिंग्स ठीक है ट्वेल्व ए जनरल लीड कर लेना जितने भी गलत काम है वो नहीं करने मैन्युपुलेट डिवाइसिस नहीं यूज करनी इनसाइडेड ट्रेडिंग नहीं करनी कोई नॉन कंप्लायंस नहीं करना यू डोंट हैव टू अक्वायर और कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज मोर देन दसेंटेज विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एट वी हैव टू कम्युनिकेट ऑल द रिलीवेंट डिसीजन सारे गलत काम नहीं करने तो ट्वेल्व ए जनरली ना हर गलत काम में लगा दिया जाता है आप आंसर में देखोगे तो ट्वेल्व ए का रेफरेंस बहुत सारी जगह जनरल दे देते हैं ओके ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बोर्ड को पैसा देगा आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट इस चीज का नाम रखा जाएगा सेबी जनरल फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड उसके अंदर ग्रांट्स फीस एंड चार्जेस आएंगे एंड सर्टन अदर सम्स फ्रॉम जो भी सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ठीक है इसके अंदर क्या क्या क्रेडिट्स होंगे आपको क्लियर है और इस चीज का डेबिट क्या होगा इस चीज का डेबिट क्या होगा सैलरीज अलाउंसेस ऑफ सेबी ऑफिसर्स एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बोर्ड बोर्ड को चलाने के लिए डे टू डे का खर्चा ओके सर सेक्शन 15 अकाउंट्स एंड ऑडिट रिसेंटली ये 13 14 15 एडेड है हमारे अमेंडेड पोर्शन का पार्ट थे ऐड हुए थे आपके मटेरियल में अच्छा

ड right of किए जाएंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फिर वो आगे जाके लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाकर रख देगा क्लियर ए चीज ओके सेक्शन फिफ्टीन एफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट Uh, these are the penalties for the stock broker if the stock broker fails to issue contract notes in form and manner specified by the stock exchange वन लैक मैक्सिमम वन सर की पेनल्टी है इफ द स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और मे पेमेंट जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसके रिस्पेक्ट में इन द मैनर एंड टाइम स्पेसिफाइडन मिनिमम वन लैक बट विच मे एक्सटेंड टू वन लैक फॉर इच डे ड्यूरिंग सच कंटिन्यूंग फेलियर सब्जेक्ट टू मैक्सम वन करोड़ एंड इफ ई चार्जेस एंड अमाउंट ऑफ ब्रोकर विच इज इन एक्सेस ऑफ द ब्रोकर विच इज स्पेसिफाइड इन द रेगुलशन तो दो तो परसेंट बोला था आपने तीन परसेंट चार्ज कर दिया एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो इसमें पेनल्टी है मिनिमम वन लैक बट विच मे एक्सटेंड टू फाइव टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज हायर हायर नहीं लिखते तो सेंस ज्यादा बनती इसको छोड़ दो आप तो मिनिमम लैक कैन एक्सटेंड टू फाइव टाइम्स द एक्सेस ठीक है तो मिनिमम एक लाख तो, एक तो इन एनी केस लगेगी लगेगी इन ट्रेडिंग की पेनल्टी ये जनरल इन ट्रेडिंग की बातें बोली है कि ही इज ऑन ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स क्या है इदर अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का मतलब तो क्लियर है अनपब्लिश मतलब नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन एंड प्राइस सेंसिटिव मतलब फॉर एग्जांपल रि रिजल्ट्स रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ ऑफ़ एनी कंपनी सम मर्जर एमेशन डिसीजन सम एक्विजिशन तो रिकन्स्ट्रक्शन मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इम्पैक्ट जिसका इम्पैक्ट आ सकता है शेयर प्राइस एग्जाम्पल अभी रिसेंटली पीवी तो का इंपैक्ट आया इम्पैक्ट आया शेयर प्राइस में दस दस परसेंट सुबह सुबह उसके प्री मार्केट उसमें अपने तो मतलब किसी के पास इंफॉर्मेशन पहले होगी अच्छा इनके वाली है इन दोनों कंपनीज में सो दे बॉट द शेयर इंफॉर्मेशन विथ और विदऊउट रिक्वेस्ट मतलब वो यही नहीं कर सकता कि उसने मेरे से मांगा था नहीं तूने क्यों दिया ओके एंड एक्सेप्ट एज रिक्वेयररी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडर एनी अदर लॉ बिकॉज इफ इट्स माइ स्टूटरी ऑब्लिगेशन तो मैं गिल्टी नहीं रहूंगा एंड और काउंसिल्स एनी अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो भैया उसकी पेनल्टी बताओ मिनिमम टेन लैक रुपीज मिनिमम टेन लाख रुपीज मैक्सिमम पच्चीस करोड़ और थ्री टाइम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ दिस इन साइड ट्रेडिंग विच एवर इज हाइर ठीक है अब एडजुडिकेशन कैसे किया जाएगा एडजुडिकेशन मतलब टू अंडरस्टैंड एंड टू इन्वेस्टिगेट की भैया इसके अंदर क्या पेनल्टी कैसे लगनी है कितनी लगनी है तो देखो फॉर द ऑफ एड जजिंग अंडर एनी ऑफ द पेनल्टी द बोर्ड में अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ ऑफिजन चीफ टू बी एन एजुडिकेटिंग ऑफिसर एमसीक्यू बन सकता है ध्यान देना उसका काम रहेगा इंक्वायरी करना वो इंक्वायरी कैसे करेगा ही विल ही हैज द पावर टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इफ़ इन हिज ओपिनियन इट इज़ नेसेसरी और रेलिवेंट टू हिज मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इफ ही सेटिसफाइड दैट येस द पर्सन हैज फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन फिर वो उसको पेनल्टी लगा सकता है अच्छा से भी को लगता है कि यार इसके अंदर ना पेनल्टी सही नहीं लगाई एजुडिकेटिंग ऑफिसर में तो उसको इंक्रीज कर सकती है तो देखो द बोर्ड कैन कॉल फॉर एन एग्जाम इन एनी रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एटिकेशन के अंदर जो हुआ एंड रिजल्ट क्या हुआ इट फील्स इट इज ऑफ द ओपिनियन द सेबी कंसिडर्स दैट द ऑर्डर इज इरोनियस इरोनियस मतलब गलत है सर गलत है क्यों गलत है टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट तो उसके बाद सेबी एक और इंक्वायरी करेगा एंड इट मे पास एन ऑर्डर एनहेंसिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इफ द सर्कम स्टांसेस सो जस्टिफाइन ऑब्वियसली सच काइंड ऑफ एन ऑर्डर बिकॉज इट इज प्रीजुडिशियल अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाई बिकॉज इट हैज एन इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पेनल्टी और अमाउंट जो भी फाइन लगने वाली है तो उस केस में इसीलिए इस रीजन की वजह से कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया जाएगा अनलेस एन एंटिल एन हर्ड इज गिवन बट इसके ऊपर अब एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे टाइम लिमिट की दैट एनहेंसिंग नहीं हो सकती आफ्टर एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास और डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज अर्लियर ऑब्वियसली ये नहीं कि आप एक डेढ़ साल बाद उसको बुला रहे हो कि हाँ भाई डेढ़ साल बाद पहले ऑर्डर पास हुआ था ना डेढ़ साल पहले तो उसका अब हम एनहेंस कर रहे हैं पेनल्टी नहीं सो थ्री मंथस और डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज अर्लियर इसके अंदर एक्चुअली डिस्पोजल uh, की जगह फाइलिंग होना चाहिए था मेरे हिसाब से बट ठीक है अब जो लॉ बन चुका है बन चुका है डिस्पोजल बोला इन्होंने तो बेसिकली जब पेंडिंग है ना ये केस यह के अपील में सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल में उससे पहले भी उससे पहले भी ये चीज करी जा सकती है जनरल फैक्टर्स टू बी टेकन इंटू अकाउंट वाइल्ड अंडरस्टैंडिंग की पेनल्टी कितनी लगानी है कि डिस्प्रोपोशनेट गेन या गलत तरीके से फायदा अनफेयर एडवांटेज वेर एवर क्वानिटिफाइबल कितना हुआ अमाउंट ऑफ लॉस टू इन्वेस्टर्स कितना हुआ एंड रिपेटेटिव नेचर कितना है ऑल द पेनल्टीज शल बी क्रेडिटेड टू कॉन्सोडेट फंड ऑफ इंडिया सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स ये स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स है जेल वगैरह अगर आपको हुई है क्रिमिनल एक्शन यहाँ पे हुए हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है ठीक है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है who can propose the settlement how can he propose settlement and to whom any person against whom any proceedings have been initiated or may be initiated under 11 11b 11d 12 359 12 3 कौन सा था जो रजिस्ट्रेशन वाली बात करी ना हमने बिजनेस ट्रस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो वाला ठीक है बाकी तो ये जनरल है एडजुडिकेशन वगैरह हो रहा है 11 और 11b इंस्पेक्शन वगैरह 11d सीज्डसीज्ड वाला तो ये जनरल एक बार पता होना चाहिए आपको कि सेक्शंस कौन-कौन से हैं पेपर में ये चीज पूछी जा सकती है रिसेंटली 12 3 के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था ओके okay. सच पर्सन कैन गो एंड फैल एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द सेबी भैया मुझे सेटलमेंट करी टू द प्रपोजल ऑफ सेटलमेंट ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन सम एंड एंड एनी अदर टर्म्स एज मे बी डिटर्मिन इन टू कंसिडरेशन एन जी आई एन जी आई क्या क्या नेचर ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ डिफॉल्ट एंड सेटलमेंट प्रोसीडिंग कैसे कंडक्ट करी जाएंगी एज पर द रेगुलेशन अब ये बंदा देखो कितना शातिर तरीके से सोच रहा है कि सर सेटलमेंट प्रोसीडिंग का ऑर्डर आए तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दूंगा अरे भाई पागल है तू एक तो सेटलमेंट करवा रहे हैं उसके बाद अपील फाइल कर देगा बिल्कुल नहीं सो नो अपील अंडर सेक्शन फिफ्टीन टी अगेंस्ट एन ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन एंड जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है वो कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा एक बनता है हमारा इसके अंदर एनसीएलटीज एपले ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज लॉ के लिए बनाया जाता है दिस इज नोन एज सिक्योरिटीज एपले ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यून होता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स हरेक बेंच में मिनिमम दो ऑफिसर्स एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे डीम फिट ठीक है तो एवरी बेंच में एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेनली ये लोग मुंबई में लो बैठेंगे अदर बेंचेस भी इसकी बनाई जाती है जैसे दिल्ली चेन्नई अलग अलग जगह बनाई गई है नॉट विस्टैंडिंग दिस प्रिंग ऑफिसर ऑब्वियसली ट्रांसफर वगैरह करवा सकता है क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिडिंग ऑफिसर के लिए इधर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट मतलब हाईकोर्ट का सबसे टॉप बंदा और जज ऑफ हाईकोर्ट फॉर सेवन ईयर्स नॉर्मल जज है तो सेवन ईयर्स सर सेवन नहीं मैं पांच साल यू तो भाई तू प्राइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता फिर तू तो जुडिशियल मेंबर बन सकता है ठीक है सो जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट फाइव इयर्स और टेक्निकल मेंबर के लिए कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट पोस्ट है सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इन एनी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई इक्विवेलेंट पोस्ट यहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों इंक्लूड कर लिया तो बेसिकली सेंट्रल या स्टेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी या फिर रेलवेंट नॉलेज ऑफ मिनिमम फिफ्टीन ईयर तो ये तो समझ आ गया कि हु आर एलिजिबल बट आप समझते कौन अपॉइंट करेगा तो जितने भी प्रिसाइडिंग एंड जुडिशियल दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस मतलब चेयर रहेगा बाकी चार डिपार्टमेंट से बंदे उठाने कौन कौन सो तीन डिपार्टमेंट में से इकोनॉमिकाइनेंशियल और इनमें से कन्वीनर कौन रहेगा जो इकोनॉमिक सेक्रेटरी रहेगा वो यहाँ पे कन्वीनर रहेगा तो इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लेजिस्लेटिव या फिर लीगल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज पे मेंबर्स बन के आएंगे इकोनॉमिक अफेयर्स वाला यहाँ पे कन्वीनर मतलब मीटिंग वगैरह रखवाना राइट right? तो ये लोग अपना प्रोसीजर डिटर्मिन करके नाम रिकमेंड करेंगे और फिर फाइनल अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी 15 एम सी अपॉइंटमेंट्स टू बी वैलिड नॉट विथ स्टैंडिंग डिफेक्ट और ये जनरल है कि जस्ट बिकॉज देर वॉज एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन दिस काइंड ऑफ अ कमिटी नो अपॉइंटमेंट शल बी इनवेलिड ऑफ एनी काइंड ऑफिसर जुडिशल में टेक्निकलबर एक्चुअली उन्होंने और जुडिशियल के केस में इस कमेटी का कोई काम ही नहीं होता है, पर है कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं कुछ अथॉरिटीज है पैरल पढ़नी है सेबी की तरह ही एक है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक है इंश्योरेंस अथॉरिटी तो उन दोनों के लोग भी यहाँ पे हम डिस्कवालीफाई कर देंगे क्योंकि हम बोलेंगे जो बोर्ड में काम कर रहे हैं जो इन अथॉरिटीज में काम कर रहे हैं वो सेट में नहीं आ सकते क्योंकि बेसिकली वो दोनों पैरल प्रोविजन हो जाएंगे राइट right? मेंबर तो और पार्ट टाइम मेंबर ऑफ बोर्ड और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्वल टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द बोर्ड और इन अथॉरिटीज ड्यूरिंग द सर्विस तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते क्योंकि बिल्कुल पे, पैरल हो जाएगा तो कुलिंग ऑफ पीरियड लगा दिया दो साल का मतलब आफ्टर दे सीज टू बी आफ्टर वो अपनी नौकरी छोड़ देते हैं यह सर्विस खत्म हो जाती है टेन खत्म हो जाता है उसके बाद भी दो साल तक नहीं बन सकते विद इन टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस इन बोर्ड और अथॉरिटीज मतलब इंश्योरेंस एंड पेंशन तो ये उसका डिस्कालिफिकेशन पीरियड है क्योंकि इन अथॉरिटीज में आप काम कर रहे हो और इन अथॉरिटीज के साथ साथ फिर आप सिक्योरिटीज अपने ट्रिब्यूनल भी कैसे काम कर सकते हो सेट वाले अलग रहेंगे बोर्ड अलग रहेगा काम ही अलग अलग है ये एजुडिकेशन वगैरह करके मैटर हेयर करेंगे और ये काम करेंगे एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे राइट Tenure. जो भी प्रिइिंग ऑफिसर जुडिशियल टेक्निकल मेंबर उनका टेन्यर अप टू फाइव ईयर्स मत लिख के आना फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईर्यस लिख के आना छोटी छोटी बातें लीगली बातें पूरी घूम जाती है अप टू फाइव ईयर मत बोलना फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स एंड एलिजिबल फॉर अनादर टर्म ऑफ मैक्सिमम फाइव ईयर्स बार बार रीअपॉइंटमेंट नहीं बोला है इन्होंने बोला है अनादर टर्म तो मैं मानूंगा पांच साल उसके बाद एक और पांच साल ठीक है एज द लॉ इट इज और इसमें मैक्सिमम एज सत्तर साल सर चेयरमैन उसमें सेबी में क्या पढ़ाई थी आपने होल टाइम मेंबर की सिक्सटी फाइव ईयर्स ठीक है चेयरमैन और होल टाइम मेंबर की बाकी इनके सैलरीज अलाउंस टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी सीजी बताएगा फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज अगर टेम्परी एब्सेंस के सिवाय कोई वैकेंसी आ जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिल करेगा इन केस ऑफ एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी अदर मेंबर एक स्पेसिफिक केस बता रहे हैं अगर इन द इवेंट ऑफ एनी वेन्सी इन द ऑफिस ऑफ द प्रिइडिंग ऑफिसर बाय रीजन ऑफ इस डेथ और रेजिग्नेशन और अदरवाइज तो टेंपररी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होल्ड करेगा दैट पोजिशन शल बी हेल्ड बाय द सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर एज ऑफिसर एक्ट करेगा तो ये है, मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अब इस बच्चे के दिमाग में ये बच्चा कौन है बच्चा नहीं है बहुत सीनियर है भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर मेंबर साहब है जुडिशियल और टेक्निकल ये सोच रहा है दिमाग में सर मैं रिजाइन कैसे करूं कैसे करूं रिजाइन बुलाया उसको भाई सुन नोटिस दे दियो राइटिंग में खुद लिख के किसी और से मत लिखवाइयो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर मेरे को कब तक रहना नोटिस देने के बाद ऑफ थ्री डेट्स थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट यू गिव उसको रिसीव हो रही है सो थ्री डेट ऑफ उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा तो थ्री मंथ अ पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज द ऑफिस और एक्सपायरी ऑफिस ओरिजिनल टर्म ऑफ ऑफिस विच अनलेस अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज टू रिलिंक्विश एनी सूनर ठीक है जज ऑफ सुप्रीमेंट इनके में ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनवॉल्स मॉल टर्पिट्यूड अब्यूज ऑफ द पोजिशन अब्यूज ऑफ द पोजिशन ठीक है फिजिकली में इनकेपेबल मतलब माइंड टाइप ही हो गया अनसाउंड माइंड ही हो गया Uh, ये वाला अब्यूज ऑफ द पोजिशन डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट उसको ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए तो ये ए बी सी डी ये जो तीन चीजें हैं ये जो चार चीजें हैं ये सेक्शन सिक्स में सेबी के मेंबर में भी हमने सेम पढ़ी थी एक ये एक्स्ट्रा पढ़ लिया है ही हैज अक्वाइड सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट एज इज इट इज लाइकली टू अफेक्ट प्री जुडिशियलीस फंक्शन एज प्रीसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर और इसके अंदर भी सर ऑफ बिंग सिर्फ इन दोनों केसेस में दी जाएगी इफ़ यू अंडरस्टैंड लॉजिकल इन दोनों में जरूरत ही नहीं है ठीक है तो इसके अंदर ऑफ बिंगड़ दी सब सेक्शन थ्री छोड़ दो कुछ नहीं है फिफ्टीन आर क्या कह रहा है ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग एपलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू बी नॉट टू इनवेडेट इट्स प्रोसीडिंग जस्ट बिकॉज देर वॉज एनी डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ये बार बार हम पढ़ चुके हैं स्टाफ एज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाएगा सेट का अपील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत गुस्सा है देखो सर ये बहुत गुस्सा है पर्सन एग्रीवड है हाँ भाई इधर इधर क्या हो गया क्यों अग्रीवड है सर आई एम एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी और आई एम एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ एजुकेटिव ऑफिसर और आई एम एग्रीड बाय द बाई दफ दो अथॉरिटीज जो इस एक्ट में कवर करी जाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बोलेंगे रुक जा आराम से अपील फाइल कर ले ठीक है कितने टाइम में 45 डेज में ठीक है तो सेट के पास जाके अपील फाइल कर विद इन फोर्टी डेज लेकिन सर अगर लगता है कि 45 डेज के बाद मैं करना चाहता हूँ बिकॉज देर वॉज समफिशियंट कॉस्ट ड्यू टू विच आई कुड नॉट फाइल एन अपील तो उस केस में आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अपील की एप्लीकेशन आ गई है अब क्या करेगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑल द पार्टीज इट मे पास सर्टन ऑर्डर्स एज इट थिंग्स फिट कंफर्मिंग मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर व्हिच वाज अपील्ड अगेंस्ट एंड आफ्टर द ऑर्डर इज पास इट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर टू ऑल द कंसर्न पार्टीज एंड टाइम लिमिट क्या है कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है बोला है जितना जल्दी हो सके उस चीज को डिस्पोज ऑफ करना सेट को बोल रहे हैं प्लीज डील विद द मैटर एज एक्सपीडेशन एज पॉसिबल एंड प्लीज मेक एन इंडीवर कोशिश करो कि यू आर एबल टू डिस्पोज ऑफ द अपील विदिन सिक्स मंथ्स विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट एंड इफ द पर्सन इज स्टिल एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ सैट ही कैन गो एंड फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन सिक्सटी डेज विद अ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ सिक्सटी डेज ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ठीक है एक्सटेंशन ऑब्वियसली सफिशियंट कॉज एक्जिस्ट प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटीज अपले क्रमिनल इट इज नॉट गाइड गाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन ओ एट इट हैज द पॉर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर कि उसका बेंच वगैरह कहा बैठेगा बट इट शेल भी गाइडेड बाई द प्रिंसिपल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस अपॉर्च्युनिटी वगैरह देनी पड़ेगी सर्टन पावर्स उसके पास रहेंगी एज सिविल कोर्ट सम एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस डिस्कवरी इशुंग कमीशन रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन एक्सपार्टेड डिसीजन लेना तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है

और रेफर द केस फॉर अदर ना कहीं कहीं जगह आप देखोगे कि ये बोला गया, इधर और कहीं की बोला गया, तो आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा ओके ये कुछ फॉर्मेलिटी वाले कंडीशन है फॉर्मेलिटी वाले सेक्शन है कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि मैं खुद की जगह अपने किसी सी एस सी एस कॉस्ट अकाउंटेंट लीगल लॉयर या एनी अदर पर्सन को मैं बुला पाऊँ या एनी ऑफ द ऑफिसर्स लिमिटेशन एक्ट इसके अंदर

तो पॉलिसी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव तो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें छोड़ दो पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको डायरेक्शन देगा वो फाइनल है और वो डायरेक्शन इफ दिए जाएंगे इन राइटिंग तो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवस एनी डायरेक्शन इन राइटिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी देन सेबी कैनॉट से नो एंड उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगड़ जरूर ली जाएगी तो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑलरेडी ऑब्वियसली इट विल बी गिवन टू द सेबी एंड विच इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी एंड विच इज नॉट शल बी द फाइनल डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना था जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट क्या है फाइनेंशियल पोजिशन या एडमिनिस्ट्रेशन डिटोरियट हो रहा है एंड सर्कमस्टांस इन पब्लिक इंटरेस्ट सो पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे ऐसा करना पड़ रहा है सो इन दैट केस द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड फॉर मैक्सिमम सिक्स मंथ्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल द कॉन्क्वें क्या रहेंगे सारे मेंबर्स टाटा बाय बाय सारी के सारी पॉवर्स फंक्शन जो भी एक्सरसाइज करी जाती है बाय द बोर्ड शल अन द बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बी एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज बाय दोड बाई देंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द प्रॉपर्टी एंड एवरी थिंग ओन बाय द बोर्ड शल बी इन दैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इट शल बेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अब रिकॉन्स्टिट्यूशन करवानी है इधर बिफोर और ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सुपरसीशन मतलब जरूरी नहीं है कि मैं छह महीने के लिए वेट करूं या चार महीने के लिए वेट करूं वट एवर इज माई पीरियड ऑफ सुपरसीशन उससे पहले भी हो सकता है मैं रिकॉन्स्टिट्यूट कर दू मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं इट कैन गो फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट और जो पुराने लोग गए ना जो पुराने लोग हैं दर नॉट डिस्कालीफाइड जस्ट बिकॉज वो निकाले गए थे उसमें से हो सकता है एक दो अच्छे जने उनको हम यहाँ पे बोर्ड में दोबारा ले आएंगे ठीक है तो दे आर नॉट डीम्ड डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट जैसे ही कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन देन उसकी इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ द ऑर्डर एंड फुल रिपोर्ट नीड्स टू बी लेट डाउन बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द अर्एस्ट रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी जनरल से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा कि ओवरऑल रिटर्न्स वगैरह क्या हुई है क्या क्या काम हुए पूरे साल में पूरे साल की भी एक रिपोर्ट की क्या क्या फुल एंड ट्रू डिस्कलोजर ऑफ वट एक्टिविटीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वर्क केप्ट और ये आपको मार्च खत्म होने के बाद विद इन नाइनटी डेज देना पड़ता है एंड इसकी कॉपी विल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बार ऑन बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑब्वियसली नो ऑर्डर पास बाय बोर्ड और एजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल बी अपीलेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन इन फिफ्टीन टी एंड एनी अदर सिविल कोर्ट एनी अदर अथॉरिटी हैज़ नो पावर टू ग्रांट एनी इंजंक्शन और टू ग्रांट एनी स्टे और टू कंसिडर एनी केस जो कि सेबी एक्ट में बोर्ड और एजुडिकटिंग ऑफिसर के पास है बोर्ड के सारे लोग सेक्शन 21 के आईपीसी के अंदर इंडियन पैनल कोड के अंदर पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे और उनके एक्शंस के अगेंस्ट कोई केस वगैरह नहीं लिया जाएगा जो कि उन्होंने इन द परसुएस ऑफ एक्ट लिए इन गुड फेथ लिए या इंटेंडेड टू बी डन बन एक्ट लिए ऊपर ये वाली चीजें पड़ी थी विद रिस्पेक्ट टू सेट ये बोर्ड के रिस्पेक्ट में पड़ी है कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस कंपाउंडिंग कराना मतलब ऑफेंस में पैसा देके खत्म एक फी देके खत्म करो तो कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं जिसके अंदर मेरी इंप्रेजनमेंट हथकड़िया हंड्रेड परसेंट नहीं लगनी देखो एनी ऑफेंस पनिशेबल नॉट बिंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ओनली और एंड इम्रथ फाइन और नहीं लिखा है एंड तो दोनों में इंप्रेजनमेंट पक्का है दोज ऑफेंस के नॉट बी कंपाउंडेड कंपाउंडिंग हो सकती है इधर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय द सैट और कोर्ट विच बिफोर विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग और इम्यूनिटी भी ग्रांट करी जा सकती है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड मे ऑन रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ग्रांट इम्युनिटी एंड ऑब्वियसली दिस रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन सी जी और कब कर सकती है वेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस दट येस दैट परिकुलर दट पर्टिकुलर पर्सन इज एलेज टू हैव कमिटेड एनी वायोलेशन हैज मेड अ फुल एंड ट्रू डिस्कलोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलेज वायोलेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ए थिंग्स फिट सी जी कैन ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम एनी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी विथ रिस्पेक्ट टू दैट वायोलेशन ओके अच्छा नो इम्यूनिटी इन वन सर्टन केस अगर अगर प्रोसिक्यूशन हैज़ बिन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इम्यूनिटी ग्रांट नहीं करेगा एंड अगर उसको लगता है अगर उसको लगता है इफ़ इट इज सेटिस्फाइड दैट कंडीशंस का नॉन कंप्लायंस हुआ है या झूठ बोल के इम्यूनिटी पाई गई है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विद्रॉ द इम्यूनिटी एंड इफेक्ट क्या रहेगा उस चीज़ का सच पर्सन कैन अगेन बी ट्राइड फॉर दोज पर्टिकुलर ऑफेंसेस जिसके रिस्पेक्ट में इम्यूनिटी मिली थी प्लस वो गलत काम जो उसने किया जिसके वजह से विदड्रॉल ऑफ इम्यूनिटी हुआ राइट right? एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना रिकमेंडेशन अगर नहीं आया क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं रिकमेंडेशन बाय सेंट्रल बायट्रल बायी नहीं आया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इम्यूनिटी नहीं ग्रांट कर सकता इम्यूनिटी कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ एट द फर्स्ट प्लेस रिकमेंडेशन इज रिसीव बाय द सेबी हालांकि येस सेबी दैट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग बट रिकमेंडेशन आना जरूरी है सीधा सीजी इम्यूनिटी ग्रांट नहीं कर सकता

हम स्पेशल कोड बना देते तो इतना एनालिसिस में करवाता नहीं न्यू रिविजन में बट स्टिल बता दिया इसका हिंट मे बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इसके अंदर एक, एक ही जज होता है हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉन्करेंस मतलब इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अंडर हुज हुजूरिडिक्शन दैट पर्टिकुलर पर्सन में बी वर्किंग तो ये जनरली सेशन जज होता है तो इसके ऊपर हाई कोर्ट रहेगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करके उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो देख लो एलिजिबिलिटी वही वाली बात जो ऊपर बताई अभी A person shall not be qualified for appointment as a judge of special court unless immediately before appointment he was holding office as sessions judge or additional sessions judge.

अपील एंड रिविजन का सारा काम हाई कोर्ट करेगा एंड उसको अज्यूम uh, कर लिया जाएगा कि एक स्पेशल कोर्ट सेशन कोर्ट है एंड देन हाईकोर्ट इस चीज को देखेगा कौन सा कोड ऑफ प्रोसीडिंग्स लगाएंगे सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेवनटी 1973 लगाएंगे एंड स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम टू बी सेशंस कोर्ट एंड पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन शल बी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज पर द सी 1973 एलिजिबिलिटी फॉर द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मतलब जो अगेंस्ट द कंपनी जो भी एविडेंस रख रहा है जो भी प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करवा रहा है ही शुड हैव बिन इन द प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर मिनिमम सेवन ईयर्स या फिर एनी अदर पोस्ट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ अगेन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ सेवन ईयर्स मिनिमम पीरियड ऑफ तो सात साल का एक्सपीरियंस चाहिए ये कंपनीज सेक्शन थर्टी एफ सी आर है ये वैसा ही है उसके अंदर क्या बोलते हैं तो, तो director, जो भी बोर्ड है दैट इज हंड्रेड परसेंट डीम टू बी गिल्टी अनलेस दे प्रूफ कि हमने कोशिश करी थी रोकने की या फिर हमारे नॉलेज के बिना ये चीज आई गई है अपार्ट फ्रॉम दैट एनी मैनेजर और एनी अदर पर्सन जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है डीम नहीं कर सकते बट अगर प्रूव हो जाता है कि उनके बिहाफ पे या फिर

बोर्ड देन द रिकवरी ऑफिसर कौन होता है रिकवरी ऑफिसर एक सेबिक ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया है रिकवरी जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड इन राइटिंग ऑथोराइज करांग ठीक है ये किसने बोला है सबसेक्शन फोर ने बोला है ओके देन सच रिकवरी ऑफिसर में ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर अ स्टेटमेंट जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे सर्टिफिकेट बनाया रिकवरी का स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू एंड शेल प्रोसीड टू रिकवर बाय फॉलोइंग मेथड अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रीजन अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल एंड इमुएबल प्रॉपर्टी उस चीज के लिए ही कैन टेक असिस्टेंस ऑफ द लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इलेवन बी इलेवन बी के अंडर जो ये वाला ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में जो पैसा ड्यू है ना इसका फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया है इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रखी गई है तो देख लो द रिकवरी ऑफ द अमाउंट बाय द रिकवरी ऑफिसर परस टू द ऑर्डर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पेपर में काफी हद तक टेस्ट किया जा सकता है तो देखो ये क्या कह रहे हैं जो हम प्रॉपर्टी इंक्लूड करेंगे ना उस पर्सन की इट शेल इंक्लूड एनी अदर प्रोपर्टी ऑल्सो विच इज ट्रांसफर्ड विच इज ट्रांसफर्ड होम स्पाउस माइनर चाइल्ड या फिर son's minor child. और कैसे ट्रांसफर करी गई है इट वॉज ट्रांसफर ऑन और आफ्टर द डेट वन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन दर्टिफिकेट ड्यू मतलब बेसिकलीज नॉट अ जेन्यून ट्रांसफर क्योंकि इस, हुआ इसका, मतलब उसको पता था कि पैसा ड्यू है उसके बाद उसने ट्रांसफर करी एंड इट इज नॉट फॉर अ जेन्यून कंसिडरेशन उसको उसका पैसा भी नहीं मिला है राइट सो इट वॉज अदरवाइज दैन फॉर एडिकुएट कंसिडरेशन तो उसको हम इस प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेंगे एंड सर व्हाट सन और और दिस पर्टिकुलर इन केस ऑफ माइनर माइनर चाइल्ड चाइल्ड सन्स मतलब बच्चा या फिर पोता अगर ये मेजर बन जाते हैं तो उस केस में क्या स्टिल स्टिल दैट प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड जस्ट बिकॉज दे हैव मेजर हमें नहीं देखना हमें कब देखना है उनकी एज कब कंसिडर करनी है जब ये ट्रांसफर करा गया है उसके बाद तो वो बड़े तो हो गई एक दो तीन साल तो लग ही जाते हैं प्रोसीडिंग्स में राइट right? अच्छा कंटिन्यूंस ऑफ प्रोसीडिंग अगर पर्सन इफ अ पर्सन डाइज देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव शल बी लाइबल टू पे एनी सम एंड जो उस पर्टिकुलर बंदे से ड्यू था पेनल्टी के के केस में स्पेसिफिकली बाकी नहीं जैसे रिफंड हो गया फीस हो गई उनको छोड़ के जो पेनल्टी है इट शल बी पेबल बाई द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली इफ दैट प्रोसीडिंग और दैट पेनल्टी वॉज इम्पोज बिफोर द डेथ ऑफ द कंसर्न पर्सन ओके एंड एनी अदर प्रोसीडिंग डिस्जॉर्जमेंट रिफंड वो तो फिर नॉर्मल चलता रहेगा ठीक है पेनल्टी के लिए हमने स्पेसिफिक बताया

कोई काम नहीं है बिकॉज एसड पूरा हम आउट ऑफ इंडिया पार्ट मानते तो उसके लिए अलग अथॉरिटी बना देंगे वो इसके अंदर काम करेगा राइट right? एंड बाकी तो इसके अंदर और कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी दिस वॉज द एंटायर से एक्ट